दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्निकल ब्रांच चैनल को और इस बेल आइकन घंटी को दबाएं सबसे पहले हमारे न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक शानदार ऑफर। अगर आपको भी फ्लिपकार्ट से कोई सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से और आधे दाम पर। मोबाइल की कंडीशन भी दोस्तों आपको गुड कंडीशन के साथ मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप भी कम दाम पर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मोबाइल को खरीदें बहुत ही आसानी से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यहां से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी के बगल में एक शेयर का बटन है, वहां से जाकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंडों में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के बगल में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी घंटी का बटन है, इसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि हमें फ्लिपकार्ट से सेकेंड हैंड मोबाइल कैसे बुक करना है। दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान से देखिए आपके फ़ोन में जो क्रोम ब्राउजर है, ये क्रोम को ऊपर में आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। इस क्रोम के ऊपर में आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद में यहाँ सर्च बार का ऑप्शन आएगा। इस सर्च बार में दोस्तों आप ध्यान से देखिए क्या सर्च करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है टू, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखना है toogood.com। इसके ऊपर में जाकर आपको यहाँ पर सिंपली इसको सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद में थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। अगर आपको मोबाइल खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है या एक्सेसरी खरीदना है, यानी आप जिस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, सेकंड हैंड मोबाइल लेना चाहते हैं, तो आप इस मोबाइल वाले पर क्लिक करना होगा। जैसे आप मोबाइल वाले पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ पर मोबाइल की लिस्ट आ जाएंगी सारी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल की लिस्ट आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आते ही आपको शॉप बाय ब्रांड, यानी यहाँ पर ब्रांड आ गया। अगर आपको MI का फ़ोन देखना है, चाहे सैमसंग देखना है, एप्पल देखना है, लिनोवो देखना है, मान लीजिए अगर आपको MI का फ़ोन देखना है या सैमसंग देखना है, मैं आपको सैमसंग का फ़ोन दिखाता हूँ। यहाँ पर सैमसंग के ऊपर में हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर में क्लिक करते हैं आपके सामने ये देखिए दोस्तों ऐसा एक पेज ओपन होता है। ये देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो गया। ये फ़ोन है दोस्तों सैमसंग गलेक्सी J7। इसकी कीमत है दोस्तों 11,700 रुपये, लेकिन आपको ये फ़ोन 4,499 रुपये में दिया जाएगा। इसकी कंडीशन भी दोस्तों गुड दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये फ़ोन नहीं लेना है, यहाँ पे दूसरा फ़ोन है, इसकी ये 7,350 रुपये का है, लेकिन आपको 3,699 रुपये में दिया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों ये भी फ़ोन है, ये वेरी गुड कंडीशन में है। ये 12,999 का फ़ोन है जो आपको 5,399 रुपये में दिया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन को बुक करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बुक कैसे किया जाएगा। इसको ऊपर में जाकर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरपेज आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐड टू कार्ड और बाय नाउ, तो यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर में आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट आ गया, यानी कि पे भी है फ्लिपकार्ट, यानी 5,399 रुपये यहाँ पर पे फ्लिपकार्ट का ऑप्शन आता है। तो मान लीजिए हम इस फ्लिपकार्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर में क्लिक कीजिए आप कीजिएगा, अगर आपने आप फ्लिपकार्ट में लॉगिन नहीं हुए हैं तो आप अपना फ्लिपकार्ट से लॉगिन हो जाइएगा। और जैसे ही आप लॉगिन करके पासवर्ड फिल करते हैं वैसे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। ये आपसे पूछता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, यानी आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप फ़ोनपे या भीम UPI से करना चाहते हैं तो इससे सिलेक्ट कर लें। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इससे कर लें। अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो यहाँ से लें। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन हमारे आने के बाद हम कैश ऑन डिलीवरी चार्ज करें तो यहाँ से आप इसको ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम कैश पेमेंट दें तो यहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ एक कैप्चर कोड दिखाई देगा। उस कैप्चर कोड को फिल करने के बाद में आप दोस्तों अप्लाई कर दीजिएगा और आपका ये जो ऑर्डर है आपका मतलब बुक हो जाएगा। और आप जो फ्लिपकार्ट में एड्रेस दिए होंगे उस एड्रेस पर आपका ये फ़ोन आपको 6 से 7 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि आप सेकेंड हैंड मोबाइल कहाँ से और कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम हो जाते हैं यहाँ से बैक।
बैक होने के बाद में दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम यही जानकारी आपको देना चाहते थे कि आप फ्लिपकार्ट से सेकेंड हैंड मोबाइल कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी, तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।